नमस्कार। ओल्गा से गंगा, कहानी का नाम दिवा, भाग चार। दिवा अब 70 के ऊपर की है। अब वह निशाचन की नायिका नहीं है, किंतु अब भी वह उसकी एक सामान्य वृद्धा है, क्योंकि 20 वर्ष तक जन नायिका रह उसने अपने बढ़ते हुए जन की समृद्धि के लिए बहुत काम किया था। इन वर्षों में जन को कई बाहरी जनों से लड़ना पड़ा, जिसमें उसे भारी जन हानि उठानी पड़ी, तो भी निशाचन सदा विजयी रहा। अब उसके पास कई मासों के लिए पर्याप्त मृग्या क्षेत्र है। दिवा के लिए यह सब भगवान की कृपा से था। यद्यपि हाथ के पटके वे बच्चे वे भी कभी कभी उसकी नींद उचाड़ देते। जाड़ों का दिन था, ओल्गा की धारा जम गई थी और महीनों के बरसते हिम के कारण उसके दूसरे रजत बालुका या घने कपास की राशि सी मालूम होती थी। दूसरी ओर जंगल में शिशिर की निर्जीवता और स्तब्धता छाई थी। निशाचन की संख्या अब और भी ज़्यादा थी, इसलिए उसके आहार की मात्रा भी अधिक होना जरूरी था, किंतु साथ ही उसके पास काम करने वाले हाथ भी अधिक थे। काम के दिनों में वह अधिक मात्रा में आहार संचय करते थे। जाड़े में सदैव कुत्तों के लिए निशापुत्र और पुत्रिया शिकार में कुछ न कुछ प्राप्त कर लेती। इधर उन्होंने शिकार का और एक नया ढंग निकाला था। चारे के अभाव में हरिन, गाय, घोड़े आदि शिकार के जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल को चले जाते थे। निशाचन ने जमीन में गिरे दानों को जमते देखा था, इसलिए उन्होंने घास के दानों को आर्द्र भूमि में छींटना शुरू किया। इन उगाई घासों के कारण जानवर कुछ दिन और अटकने लगे। उस दिन ऋक्ष श्रवा के कुत्ते ने खरगोश का पीछा किया। रिश्रवा भी उसके पीछे दौड़ा। पसीजना छूटने पर उसने अपने बड़े चर्म कंचू को उतार कंधे पर रखा, फिर दौड़ना शुरू किया, किंतु कुत्ता अभी भी नहीं दिखाई पड़ता था। बर्फ में उसके पैरों के निशान जरूर दिखलाई पड़ रहे थे। वृक्ष हाँपने लगा और विश्राम करने के लिए गिरे हुए वृक्ष के स्कंद में पर बैठ गया। अभी वह पूरी तरह विश्राम नहीं कर पाया था। उसे दूर अपने कुत्ते की आवाज़ सुनाई दी। वह उठकर फिर दौड़ने लगा। आवाज़ नज़दीक आती गई। पास जाकर देखा, देवदारू के सहारे एक सुंदरी खड़ी है। उसके शरीर पर श्वेत चर्म कंचुक है। सफ़ेद टोपी के नीचे से जहाँ तहाँ उसके सुनहरे बाल निकल कर दिखलाई दे रहे हैं। उसके पैरों के पास एक मरा हुआ खरगोश पड़ा है। रिक्ष को देखकर कुत्ता नज़दीक जा और ज़ोर ज़ोर भूकने लगा। रिक्ष की दृष्टि सुंदरी के चेहरे पर पड़ी। उसने मुस्कुरा कर कहा, मित्र, यह तेरा कुत्ता है? हाँ, मेरा कुत्ता है, किंतु मैंने तुझे कभी नहीं देखा। मैं कुरुजन की हूँ, यह कुरुजन की भूमि है। कुरुजन? यह कह रिच सोच में पड़ गया। कुरु यहाँ उसका पड़ोसी जन है। कितने वर्षों से दोनों में जनों में अनबन चल रही है। कभी कभी युद्ध भी हो जाता है, किंतु कुरु उषा से अधिक चतुर है, इसलिए युद्ध में सफलता की आशा न देख वह अक्सर अपने पैरों से भी काम लेता है। इस तरह जहां हाथ सफलता नहीं प्रदान करते, वहां पैर जीवित रहने में सफल बनाते हैं। निशापुत्र बराबर कुरु संहार का निश्चय करते, किंतु अभी तक वह अपने निश्चय को कार्य के रूप में परिणित नहीं कर सके थे। वृक्ष को चुप देख तरुणी ने कहा, इस खरगोश को तेरे कुत्ते ने मारा है, तू ले जा। लेकिन यह कुरुओं के मृग्या क्षेत्र में मरा है। हाँ, मरा है, किंतु मैं कुत्ते की मालिक की प्रतीक्षा में थी। प्रतीक्षा में? हाँ, कि उसने आने पर इस खरगोश को दे दूँ। कुरु का नाम सुन वृक्ष के मन में कुछ देश सा उठ आया था, किंतु सुंदरी के स्नेहपूर्ण शब्दों को सुनकर वह दूर होने लगा। उसने प्रत्युपकार के भाव से प्रेरित होकर कहा, शिकार ही नहीं, तूने मेरे सवक कुत्ते को भी दिया। यह कुत्ता मुझे बहुत प्रिय है, सुंदर सवक है, सारे जन के बीच क्यों न हो, मेरी आवाज़ सुनते ही मेरे पास चला आता है। इसका नाम शंभु और तेरा मित्र ऋक्षरवा। रोचना सुनो, रोचना सुनो, मेरी माँ का नाम भी रोचना था। ऋक्ष, जल्दी न हो तो थोड़ा बैठ। ऋक्ष ने धनुष और कंचुक बरक पर रखकर सुंदरी के पैरों के पास बैठते हुए कहा, तो अब तेरी माँ नहीं है? नहीं, वह निशाचन के युद्ध में मारी गई। वह मुझे बहुत प्यार करती थी। कहते कहते तरुणी की आँखों में आंसू भर आए। वृक्ष ने अपने हाथों से उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, यह युद्ध कितना बुरा है। हाँ, जिसमें इतने प्रियों का बिछोह होता है और अब भी वह बंद नहीं हुआ। बिना एक के उच्छेद हुए वह कैसे बंद होगा? मैं सुनती हूँ कि निशापुत्र फिर आक्रमण करने वाले हैं। मैं सोचती हूँ, वृक्ष,
तेरे जैसे तरुण तो वह भी होंगे और तेरी जैसी तरुणियाँ कुरुओं में भी होंगी, फिर भी हमें एक दूसरे को मारना होगा। रीच, यह कैसा है? रीच को ख्याल आया कि 3 दिन बाद उसका जन कुरुओं पर आक्रमण करने वाला है। रीच के कुछ बोलने से पहले ही तरुणी ने कहा, लेकिन हम अब नहीं लड़ेंगे। नहीं, कुरु नहीं लड़ेंगे। हाँ, हमारी संख्या इतनी कम रह गई है कि हमें जीतने की आशा नहीं। फिर कुरु क्या करेंगे? उल्गा तट को छोड़ दूर चले जाएंगे। उल्गा माता की धारा कितनी प्रिय है, अब किसी यह देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए मैं घंटों यहाँ बैठी इसकी सुप्त धारा को देखा करती हूँ। तो तू उल्गा को फिर न देख सकेगी, न तैर सकूँगी। इस गंभीर जल में तैरने में कितना आनंद आता था। सुंदरी के कपोलों पर अश्रुबिंदु ढलक रहे थे। कितना क्रूर, कितना निष्ठुर, उदास हो रीच ने कहा, किंतु यह जन धर्म है रोचना, सुनो, और बर्बर धर्म। धन्यवाद। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।